हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बनाया है मैंने एक टोरी में ही साबुदाने में ऐसा स्नैक्स जो खाने में बहुत ही टेस्टी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बना है। इसे आप चटनी, चाय, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं बना रही हूँ आज व्रत के लिए साबुदाने का स्नैक्स, वो सिर्फ एक टोरी में ही बनाएंगे हम। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं सारी रेसिपी कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। रेसिपी को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से बनाई है। तो शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ आज फलाहार के लिए स्नैक्स रेसिपी। उसके लिए ले ली है मैंने एक टोरी भर के साबूदाना। तो हम जो स्नैक्स हैं साबूदाने के साथ ही बनाएंगे। तो गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब डाल देंगे इस साबूदाने को हम इसमें और इसे हल्का हल्का भून लेंगे। तो साबूदाना में जो है इस तरह की चटकने की आवाज़ आ रही है और इसी स्टेज पे हम इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में इसे निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो साबूदाना ठंडा हो चुका है और इसको डाल दिया है मैंने मिक्सर जार में और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इस तरह का जो है हमने साबूदाने का पाउडर बना लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर भी नहीं बनाना है। अगर इसमें कोई साबूदाने का दाना रह जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इसे छानना नहीं है। तो मैंने 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको अब हम इस तरह से जो कद्दूकस होता है उससे हम इसे इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो मैंने 3 आलू जो है इस तरह से क्रश कर लिए हैं। तो 3 आलू जो है मैंने इस तरह से क्रश कर लिए हैं। अब ली है मैंने सूखा हुआ नारियल, एक छोटा टुकड़ा जिसको मैंने कद्दू क्रश कर लिया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और ली है 2 चम्मच भर के मैंने धनिया पत्ती, इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, अगर आप व्रत में हल्दी पसंद नहीं करते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भर के डाल मैं इसमें साबुत जीरा। तो मैंने ली है 1 हरी मिर्च जिसको मैंने कट कर लिया है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, हरी की जगह आप लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब डाल देंगे हम इसमें व्रत वाला सेंधा नमक टेस्ट के अनुसार और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हाथ से। हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, जो आलू का मॉइस्चर है उसी के साथ इसे हम मिक्स करेंगे। तो देखिए आलू और साबूदाना जो इस तरह से मिक्स कर लिया है हमने। और अब लगा लेंगे हम इसमें हल्का सा ऑयल हाथ में और इसकी हम छोटी छोटी फिलोइयाँ लेंगे। आप जो भी शेप देना चाहें अपनी पसंद के अनुसार इसमें शेप दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से सिलेंडर शेप में जो है इसे शेप दूंगी, देखिए इस तरह का। आप चाहे इसे टिक्की का शेप भी दे सकते हैं। तो अब इससे हम सबको इनको हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे फटाफट से। हमें इन्हें जल्दी जल्दी नहीं पलटना नहीं चाहिए, टूट भी सकते हैं, इन्हें बड़े आराम से जो है पलटी करना है। अगर आपको व्रत के फलाहार की रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब इसको हम पूरा फ्राई होने देंगे और इस स्नैक्स को आप चाय या चटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे हम व्रत में ही खाते हैं, बिना व्रत के भी जब चाहे आपका मन तभी इसे बना के सर्व कर सकते हैं। देखिए जी हमारा स्नैक्स
देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होंगे और इनसे बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। तो देखिए जी साबुदाने का सारा स्नैक्स जो है इस तरह से बनके तैयार हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।